हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने भी हमारे वीडियोस पे कमेंट किया है, आज उनके कमेंट्स को मैं इस वीडियो के एंड में यानी कि लास्ट में शो करूंगा और उनके जो सवाल होंगे या उनके जो भी राय होंगे उन पे मैं जवाब दूंगा, है ना। तो शुरू करने से पहले, अगर आप नए हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल लर्नर बॉय को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर शो करूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो छोटे और नन्हे जीव जो आपके बीच में ही रहते हैं और आपको मार भी सकते हैं। दरअसल ये सीक्वल है, सेकंड पार्ट है मेरे पहले वीडियो का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि उसको भी देखो, उसको देख करके भी आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो आज पहले नंबर पे है वो है जियोग्राफिक कोन स्नेल। हमने कई बार ऐसे जीवों को डिस्कवरी चैनल और बाकी एनिमल चैनल्स में देखा है। भैया ये जो स्नेल है ये दिखने में भले ही एक आम समुद्री स्नेल की तरह दिखता है, लेकिन ये अपने में सबसे खतरनाक स्नेल है। इसके जहर में 100 तरह का जहर होता है। जब भी ये जीव अपने किसी शिकार को देखता है तो इसके जो सुई समान जो दांत है, ये जीव उसको अपने शिकार के शरीर में अंदर तक धंसा देता है और फिर सारा जहर उसके शरीर में छोड़ देता है। बावजूद इसके कि ये गहरे समुद्र में रहता है, अब तक इसने 30 से ज्यादा लोगों की जान ली है। इस कीड़े के काटने के कुछ देर बाद ही इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है और अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान कोमा में भी जा सकता है और फिर इसके बाद उस शख्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। देखो बात इतनी सिंपल है, अगर किसी भी इंसान का कार्डियक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर दे तो समझो इंसान मर गया, खत्म हो गया वो। और इस केस में किसी को भी ये स्नेल काट दे तो जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट हो उतना ही बेहतर है, तभी उस बंदे की जान बचाने की संभावना हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, पफर फिश। अब इस मछली का जिक्र मैंने अपने एक और वीडियो में किया है। ये मछली इतनी खतरनाक है कि इसमें जो जहर है वो साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बावजूद इसके लोग जापान में इसे काफी चाव से खाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई रसोईया यानी कि बावर्ची यानी कि शेफ अगर इस फिश को, इस मछली को काट करके परोसता है तो उसके लिए महज उसको 3 साल की सिर्फ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये मछली इतनी खतरनाक और जहरीली है कि इसके पूरे स्किन में, पूरी त्वचा में जहर फैला हुआ होता है। इसी के लिए इसको काट करके सर्व करने के लिए काफी मुशक्कत यानी कि ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बावजूद इन सारे बातों के हर साल लगभग 5 लोग इस मछली को खाने से मरते हैं। क्या है ना, जो जापानीज लोग होते हैं वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और खाने पीने के लिए वो हर हद पार कर जाते हैं, और शायद यही वजह है कि वो लोग इस तरह के खतरे से बैर ले लेते हैं। इस एक मछली में इतना जहर होता है कि ये एक बार में 30 लोगों को मार सकती है। पॉइंट नंबर 3, द गोल्डन डार्ट फ्रॉग। ये मेंढक जो है ये अपने छोटे साइज की वजह से और अपने इस कलर के वजह से काफी प्यारा नजर आता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये बहुत खतरनाक है। ये इस धरती के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है और इस मेंढक में इतना जहर होता है कि एक बार में 10 लोगों की जान आराम से ले सकता है। ये आमतौर पर कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगर ये मेंढक किसी शिकार के ऊपर जहर छोड़ता है तो शिकार की जो मांसपेशियां है उसके अंदर जो रक्त संचार तंत्रिका प्रणाली है यानी कि नर्वस सिस्टम है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि बहुत ज्यादा हलचल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शिकार को जबरदस्त बेचैनी महसूस होती है और कई बार दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से उसकी जान भी चली जाती है। तो भैया अगली बार से इस तरह के चमकीले रंग के मेंढकों से दूर ही रहे तो बेहतर है। पॉइंट नंबर 4, द ब्लू रिंग ऑक्टोपस। हालांकि ये जो ऑक्टोपस है ये भले ही दिखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये अपने आप को सिकुड़ करके मोड़ करके एक ब्रेड के स्लाइस के जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जीव 1 मिनट में 20 लोगों को मार सकता है। इस ऑक्टोपस में 10 तरह के जहर होते हैं और इसका एक जहर तो सांपों के जहर से भी ज्यादा जहरीला है। कैमोफ्लाज की वजह से ये ऑक्टोपस जो है ये अपने आसपास के वातावरण में अच्छे से घुल मिल जाता है और जब भी कोई शिकार इसके सामने आता है तो ये अपने सुई के समान स्टिंग के सहारे से अपने शिकार के अंदर जहर छोड़ देता है। अब ये जो ऑक्टोपस है इसके स्ट्रिंग यानी कि बीक इतने खतरनाक है कि ये मोटे से मोटे स्विमिंग सूट को फाड़ करके इंसान के शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। हालांकि जब ये डंक मारता है तो इसका ये डंक दर्दनाक तो नहीं होता, लेकिन हाँ इसके वजह से इंसान को या उसके शिकार को लकवा जरूर मार देता है और साथ ही उस इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब इस तरह के हमले से बचने का बस एक ही उपाय है कि जो भी शख्स इस तरह के हमले का शिकार हुआ है उसको जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल या फिर चिकित्सा केंद्र ले जाया जाए। किसी भी मरीज को इस तरह के हमले से निकलने में, रिकवर करने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो देखो भैया ऐसा है, अगर सही टाइम पे मरीज की इलाज ना हो सकी तो मरीज की जान भी जा सकती है। पॉइंट नंबर 5, मॉस्किटो। बोले तो मच्छर। जरा सोचो, आप एक हाउस वाइफ हो या फिर आप एक बंदे हो जो कि जॉब करता है या फिर आप एक स्टूडेंट हो जो अभी पढ़ करके आया है। आप सोच रहे होंगे कि चलो यार अभी थोड़ी शाम हो रही है, थोड़ा बाहर बैठते हैं, थोड़ा मौसम एंजॉय करते हैं। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं या फिर कहीं आप बाहर बैठे हुए होते हैं आपके सर के ऊपर सैकड़ों मच्छर होंगे।
क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? आप में से कई सारे लोग यहाँ पर बैठ करके इस वीडियो को देख करके सोच रहे होंगे, अरे मच्छर ही क्यों? अरे मच्छर को तो हम जानते हैं, वो तो हमारे घर में भी होता है, इस लिस्ट में क्यों? तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप मच्छरों के बारे में नहीं जानते हैं। जब भी कोई मच्छर हमें काटता है तो वो किसी न किसी तरीके से या तो हमारे अंदर पैरासाइट्स यानी कि परजीवी, या तो किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तो किसी तरह का वायरस हमारे खून में दाखिल कर देता है डायरेक्टली। और मेरे दोस्तों, आपको शायद ये भी बात पता नहीं होगी कि हर साल लगभग 7.5 लाख लोग मच्छरों के द्वारा फैलाए गए बीमारियां और इन्फेक्शन की वजह से मरते हैं। मच्छरों के द्वारा फैलाए गए बीमारियों में सबसे कॉमन है मलेरिया, और हर साल लगभग 60 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं। और जब बात मच्छरों की आती है तो क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं और आबादी में बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत जल्दी से पनपते हैं, तो इंसान जो है वो मच्छरों से बचने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो अगली बार से इन सारी बातों का ध्यान रखें और मेरी बात सुन लो भाई, कोई भी जानवर या कीड़ा तब तक आपको परेशान नहीं करता जब तक उसको आपसे कोई खतरा महसूस ना हो या फिर आप उसको परेशान ना करो। तो ना आप परेशान करो, ना आपका वो कोई हानि करेगा। तो चलो दोस्तों, इसके साथ तो हमारा आज का वीडियो खत्म हो गया, लेकिन जैसा मैंने वादा किया था कि मैं आपके कमेंट्स को अपने वीडियो में शो करूंगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले मुझे कमेंट आया था वो थे अभय कुमार, इन्होंने लिखा हुतिया। अब बताओ यार, ऐसा कौन लिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो कमेंट करने वाले थे वो थे पुनीत वर्मा, उन्होंने ये कमेंट लिखा आई लव माई इंडिया। यार अपने इंडिया अपने भारत से तो हम भी बहुत प्यार करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कमेंट लिखने वाले थे अवधेश कृष्ण, इन्होंने लिखा सुपर। अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है उस्मान सहर, इन्होंने कमेंट लिखा था स्पीकिंग स्टाइल प्लस स्पीड अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, कि आपने हमारे वीडियो को देखने के लिए वक्त दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोहन नंदा गिटार, नाम में गिटार, खैर इन्होंने लिखा है मजा आ गया भाई एक नंबर। तो रोहन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे है लाल जी आहिर, इन्होंने लिखा है वेरी फनी। यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपको मेरी बातों से मजा आया, अच्छा लगा। इसके बाद पता नहीं ये कौन है, इनका नाम ही है थैंक्स नास। अच्छा इन्होंने लिखा ये तो गलत बात है। अच्छा गलत बात है, पता नहीं हमसे क्या खता हो गई जो आप हमसे नाराज हो गए। कोई नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे तो आप हमसे नाराज ना हो। फिर है कोमल कुमार, इन्होंने लिखा है आप बहुत अच्छे से बोल के समझाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा कमेंट हमें दिया। फिर है विनीत भोजक, मस्त योर वॉइस इज ऑसम। शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर है गंगा कौर, तो गंगा कौर जी लिखते हैं कंट एक नंबर, शुक्रिया भाई। सुफियान मेमोन, ये लिखते हैं आई लाइक इट कमेंट्री। ओके शुक्रिया कि आपको मेरी कमेंट्री अच्छी लगी। और आखिरी जो कमेंट है वो तो एपिक है भाई। केशव सिंह, ये लिखते हैं मुझे तुमको देखना है यार। अरे क्यों नहीं भाई, जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं फेस कैम में आऊं और आप लोग से रूबरू हूं, आपके सामने आऊं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। मेरे टोटल वीडियो में लगभग 180 कमेंट्स है, तो भैया सारे कमेंट्स तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी टॉप कमेंट्स थे वो मैंने बोल दिया। अगर आपका कमेंट छूट गया हो तो प्लीज मुझे माफ करें। तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो इसमें भी प्लीज कमेंट करें, इसे लाइक करें, अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। अरे कर लो यार, क्या दिक्कत है। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.